इनसाइड न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा ठाकुर। चलिए रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों पर। गंदरबल में दर्जनों नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ज्वाइन की। श्रीनगर के दस्तीगीर साहिब शराइन खयार की तरफ से उर्स ऑफ हारत शेख सईद अब्दुल कादिर जिलानी का वार्षिक आयोजन हुआ। डीआईडी राजौरी ने पत्रकारों के साथ बातचीत की, जिसमें सभी समूहों के पत्रकारों ने हिस्सा लिया। चंचल बाबा और साथियों ने बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी जे के प्रेसिडेंट रविंद्र रैना भी रहे मौजूद। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू के रायपुर धमाना क्षेत्र के बहुत सारे जीते हुए सरपंचों और पंचों ने का आज भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मानित किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। भड़वाल ब्लाक का रहने वाला अज साढ़े रविंद्र रैना जी ने जी गल आखी है, बड़ी जबरदस्त गल है। मैं लोगों जम्मू कश्मीर के लोगों अगे अपील करना, भाई बीजेपी पार्टी का असें साथ देना चाहिए और जिन्या भी बुराइया जम्मू कश्मीर के बच्चे आई ने असें खत्म करना चाहिए। कि भाई जोड़ा एक वोटर है, एक भगवान का रूप है। मैं चाहना असें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ देना चाहिए। बोनियाल में 25 वर्षीय युवा की मौत को लेकर पूरा शहर रहा बंद। युवा जिम ट्रेनर था, पुलिस ने रजिस्टर की FIR। बसरत बुखारी और पीर हसन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की। जमात में और हम उम्मीद करते हैं कि ये जमात को मजबूत करेंगे और लोगों के लिए बेहतरी करेंगे, इसी की हमें उम्मीद है और अल्लाह ताला इनको तौफीक दे नेकी करने का। असिस्टेंट कमिश्नर तारिक मोहम्मद ने ICSP सेंटर का दौरा किया और सभी खाने के पदार्थों की गहनता से जांच की। मैं सर तारिक महमूद, असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी डिस्ट्रिक्ट पुंच। आज हमने यहाँ ICS सेंटर में हल्दी जो ऑलरेडी इनके पास आई हुई थी उसकी एनालिटिकल रिपोर्ट जो है इशू कर दी है। न्यूट्री जो इनके पास आई हुई थी उसको आज हमने सैम्पलिंग की है और ये सरप्राइज चेकिंग की है सारी बाकी जितनी फूड आइटम थी सभी की।